क्या नाम है सर आपका? अश्वनी कुमार। अश्वनी जी थैंक यू वेरी मच। अरे दोस्तों, मेरा जो यहाँ रोल दिया गया योगा एंड मोटिवेशन, मोटिवेट तो कर ही रहा हूँ, आपके विचारों को उठा रहा हूँ। पवित्रता ही आपकी जिंदगी है और उसका स्रोत ओरिजिन है योग विद्या। योग विद्या किस धर्म से नहीं, ये थॉट है ना, थॉट किसी धर्म से है क्या, शिक्षा किसी धर्म से है क्या, ये भी भ्रम हो जाते। कोई सोचता है योग और एक्सरसाइज करोगे भी ठीक कर सकता है ना बॉडी, भाई सबका बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा। योगा आसन करोगे और अच्छे विचार रखोगे तो सबके अच्छा होगा। तो पतंजलि एक ऐसे महापुरुष थे तो दुनिया के सारे ज्ञान को छोटे में गागर में सागर भर दिया। पहला बोला यामा, क्या बोला यामा, इसको मार करिए यामा। पहला क्या है बाबू? यामा। यामा का मतलब होता है कि हमारा व्यवहार हमारे लोगों के समाज में कैसा हो, हम इशू भेद की हमारा व्यवहार हमेशा अहिंसक होना चाहिए, नॉन वायलेंट। क्या होना चाहिए? नॉन वायलेंट का मतलब क्या है? हिंसा नहीं हो। हिंसा का मतलब मारपीट गाली गलौज ये सब नहीं करें, क्योंकि फिर हमें आएगा ना, अरे आप जो दूसरे बंदे को मिलेगा भाई आपको, आप गाली दोगे तो दूसरा और महामूल्य आपको दे रहा हूँ। इसीलिए कभी भी हिंसा का जो निवारण करना है तो अहिंसा ही, ईर्ष्या द्वेष कलह से कभी भी प्रेम नहीं हो सकता, नफरत नाराजगी से कभी प्रेम नहीं हो सकता। नफरत की जो गंदगी है उसको धोने का प्रेम ही एक रहता है, बहुत जटिल है, कठिन, लेकिन कठिन काम करोगे तभी तो अच्छा होगा ना। सब लोग बदले की भावना से काम करेंगे है ना, रिवेंज करने लगते हैं, उसकी मृत्यु नहीं। आप सबको अच्छा बन जाना है और अपने जीवन में सबके साथ चलने की प्रवृत्ति है। तो नियमा का पहला क्या है? अहिंसा। मन वचन कर्म से हम अहिंसक रहे, बोलिए खड़ा हो जाइए। मन वचन कर्म से अहिंसा, क्योंकि आप जो मन में सोचोगे वही ये वाणी में आएगी और वही काम आप करोगे, और जो आप काम करोगे उससे आपका वातावरण बनेगा। तो मान लो क्रिमिनल है तो हत्यारा हो जाएगा और उसका जीवन नरक बन जाएगा। कोई तो अगर मेरी तरह आपका सेवक है तो आप भी उसको प्यार करोगे, उनके लिए भलाई के लिए कुछ आशीर्वाद भी देंगे, है ना। इसीलिए अहिंसा रहे। दूसरा है सत्य, कभी झूठ नहीं बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। झूठ वो बोलता है जो गलत काम करो, क्योंकि अपने आप को छुपाने के लिए पर्दा डालता है झूठ, झूठ झूठ का पर्दा नहीं, झूठ कभी छुपता है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत रहो रहीमान, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जान। फिर से सुनिए, खैर खून खांसी खुशी खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जान। ये जो छह सात बता दिए ये कितना भी छुपावे प्रकट हो जाए। खैरियत कैसा है? सो तो हंसते रहो, अभी तीन चार बेटियाँ बहुत हंसते हुए जा रहे थी, बोले तुम थोड़ा किस्मत हमारे साथ कुछ शेयर करो, हम तो ज्यादा दुखी रहते, क्या सीक्रेट है तुम्हारे खुशी, ऐसे हंसते रहना जो अच्छा है सच्चा इंसान है काहे दुखी रहेंगे। जैसे और जो गलत करेगा उसका तो डर रहेगा, अरे वो गलत किया हो तो हमेशा तलवार लटका रहेगा उसके गर्म कुकर्मों का, है कि नहीं। तो वही देखिए, खैर खून खांसी खुशी खैर प्रीति मधुपान, रहीमन दागे ना दगे जानत सकल जान। तो सच्चाई छुप नहीं सकती है ना, बनावट के उसूलों से नहीं सकती। हमें अहिंसा होनी चाहिए, हमें सत्यवादी होनी चाहिए, झूठ क्यों बोलना, क्या झूठ बोले बोलिए जो सोहर। इसके बाद हमें अस्त्या चोरी नहीं करनी, लोभ का कारण है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ समाधान। लोभ सबसे बड़ा भ्रांत है, लोभ के कारण ही हम चोरी करते हैं, लोभ के कारण ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा, क्या गुजरा नहीं, थोड़ा बहुत गुजारा होता है, इतना तो काबिल हम लोग इंसान है, कुछ भी करके गुजारा कर सकते हैं भाई। अगर को मैं इतना प्रोफेसर हूँ, इतना सेवक हूँ, तो कहीं भी गए कि स्कूल खोल दूंगा तो कुछ लोग आ जाएंगे, और हमारी भावना होगी कि इनको अच्छा इंसान ज़्यादा बनाए, ये क्या दे रहा है फिक्र लोग। अभी ये मेरा हमेशा मैंने क्या दिया है आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप क्या दे रहे हैं, आपका कितना कर, इसको जितना कर है वो मुझे आशीर्वाद भी देगा गाली भी देगा, उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन मैं तो आपकी सेवा ही करूँ हर तरह से। मैं बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर हूँ, मैं जी डी के चेयरमैन के साथ टेनिस करता हूँ, बहुत बड़ा राइडर हूँ, हॉर्स राइडर हूँ, बाइक राइडर हूँ, कार राइडर, रेसर हूँ,
बहुत सारे गुण सीखे हैं, सब कुछ फ्री सीखा देंगे, क्या हो उसको खुशहाल हो जाएगा, कभी मौका भी नहीं मिलेगा, उसकी बड़ी बात देखा नहीं होगा 20 लाख का, तो देखेगा कि बात भी कैसा होगा। इसलिए बता रहा हूँ देने की बात हो, देने की बात मत सोचो, इसके लिए काफी बनना पड़ेगा। आज आप लोग देने की बात सोच रहे हो कि हम किसी की जिंदगी देंगे क्या, है ना, तो इसी उसको बोलते हैं अत्याचोरी नहीं करना, लोग नहीं करते ब्रह्मचर्य। चौथा जो है यमा का व्यवहार, व्यवहार कैसा हो समाज में, किसी की स्थिति है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा हमारा कमजोर कर